और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को इस साल के अंत में दिसंबर में होने वाले विश्व टूर फाइनल्स के साथ कोर्ट पर वापसी करने को वो तैयार हैं। सिंधु पैर में लगी चोट के कारण पिछले कुछ समय से किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई हैं। सिंधु को कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान पैर में चोट लगी थी। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने उनके साथ खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमडी और सीईओ पीएनबी मेटलाइफ मिस्टर आशीष श्रीवास्तव और जो पीवी सिंधु, जिनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों बात करेंगे हमसे जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, कैसे इतने सारे स्टेट्स में आप गए और कैसे ये रिकॉर्ड बना? जो हमने स्टार्ट किया था तो हमने 4 स्टेट्स से स्टार्ट किया था और यू नो इस बार हम 12 स्टेट में गए हैं। 8,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किया है एंड सबसे बढ़िया बात है कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है। जो हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट वाज द आइडिया कि हम किस तरह से बच्चों को यंग एज में उनके साथ काम कर सकें और उनको ऊपर लाने में हेल्प कर सकें। और जो आपने आज देखा होगा कि जो बच्चों से जो पीवी सिंधु का जो इंटरेक्शन है, आई थिंक ये उनको और मोटिवेट करेगा और बहुत और बच्चे हम इंडिया की तरफ से ऊपर आएंगे। सिंधु, आप बताइए, क्योंकि आप हमेशा यंग बच्चों को लाने में, यंगस्टर्स को लाने में बहुत बिलीव करते हैं। बोला भी आपने कि बैडमिंटन का फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब यंगस्टर्स आएंगे। आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा लग रहा है इधर। आज मैंने बहुत यंगस्टर्स को, मतलब यंगस्टर्स में इतना टैलेंट है कि आई एम श्योर दे विल बी यू नो ओलंपिक चैम्पियंस फ्रॉम हियर। आई थिंक दीस काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स इंकरेज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि वो लोगों को भी एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए वो लोगों के लिए एक चांस भी मिल सकता है। नेशनल गेम इज कल्मिनेटिंग टुडे, सो यू वेंट देयर आल्सो, व्हाट इज योर टेक? यू बिलीव दैट दिस इज अनदर ह्यूज स्टेप दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, स्पेशली द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? डेफिनेटली नेशनल गेम्स बहुत अच्छा था। मैंने ओपनिंग सेरेमनी के लिए गई थी और मोदी सर ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया और आई थिंक उनके स्टेट में भी हम जब हम नेशनल गेम्स के लिए गए थे, आई हैव नॉट सीन सच ओपनिंग सेरेमनी। इट्स बीन अमेजिंग, फैंटास्टिक एंड द क्राउड, आई मीन द पीपल वेर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड इंकरेजिंग। मैंने बैडमिंटन और कई स्पोर्ट्स देखने के लिए भी गई थी और मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एंड आई थिंक वी हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई थिंक विद इन 90 डेज दे हैव डन एवरीथिंग व्हिच इज़ रियली रियली गुड एंड आई एम श्योर इफ वी कैन डू दिस आई एम श्योर और हमारे देश में दे विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एथलीट्स हू कैन कम फॉरवर्ड एंड गेट मेनी मोर मेडल्स फॉर द कंट्री। किस टाइम पे हम देखेंगे पीवी सिंधु को कोर्ट में? अभी तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, सो होपफुली दिसंबर में आई विल कम बैक। December में which tour are you planning to come back to? मतलब December में एक obviously World Tour Finals है, so उसमें obviously the top 8 players will be playing. तो if I'm there, then definitely yes, I will be. Thank you so much. So that was PV Sindhu. बता रही थी कि December में World Tour Finals में वो अपनी एक तरह से return करने की कोशिश करेगी और जीतने की कोशिश भी करेगी उस tournament को। Camera person किशन जी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो इसके साथ इस bulletin में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।